हे गाइस, सो अभी मॉर्निंग का बजा है 10 और मैं हूँ एट जू रोड। माल रोड से ये अप्रोक्स आपको 1 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। एज मेरा होटल जू रोड पे ही था तो मुझे 850 मीटर से जाना पड़ेगा। और अब चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ का नैनीताल जू कैसा है। बहुत यूज है, इट्स बंगाल टाइगर और आप देख सकते हो और ऊपर भी एक टाइगर है, वो उधर से उधर घूम रहा है, वो जा रहा है। सारे एडवेंचर के साथ टाइगर लेपर्ड सब देखने का, इतना क्लोजली टाइगर को देखा है ना कि लाइक क्या ही बताऊं, ऐसा लग रहा था बस देखते रहो देखते रहो। और इतना सारा एडवेंचर के बाद अब फाइनली जू का सफ़र ख़त्म होता है और अब हम जाएंगे कुछ अनदर प्लेस, जो भी अभी देखेंगे कहाँ जाना है। और बट यहाँ का बहुत, मतलब जो हमने सोचा था ना कि हम यहाँ पर क्या देख पाएंगे, इतना अच्छा होगा नहीं होगा, बट यस इट वॉज वर्थ कमिंग हियर, मज़ा आ गया मैन। अब हम पहुँच गए हैं इको पार्क। The entry fee for adult is 100 and for child is 60. यहाँ पर कुछ नेचुरल केव हैं जैसे कि टाइगर केव, पैंथर केव, फ्लाइंग फॉक्स केव। इसमें से टाइगर केव में अब हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ बहुत अंधेरा है एंड नैरो है और कहीं कहीं पे तो क्रॉल करके जाना पड़ रहा है, तो बारिश के सीजन में यहाँ पे क्या होता होगा पता नहीं, और टाइगर या पैंथर यहाँ पे कैसे रहते होंगे। और चलते हैं। अब हम आ गए हैं पैंथर केव में और ये टाइगर केव से भी ज़्यादा नैरो है। अभी हूँ बड़ा बाजार नैनीताल और यहाँ पे तो लोकल मार्केट है, आप कुछ भी बाई कर सकते हो। प्लस में अगर आप नैनीताल आए हो और आपने यहाँ की फेवरेट स्वीट नहीं खाई, जैसे कि मथुरा के पेड़े तो यहाँ की बाल मिठाई, तो फिर क्या खाया। तो लेके चलते हैं आपको शॉप पर जहाँ पे आप बाल मिठाई ट्राई कर सकते हैं। और एक और आते सिगोरी, वो अभी है नहीं यहाँ पर, तो चलते दुकान पर देखते हैं क्या मिलेगा। माल रोड इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन और ये बड़ा बाजार यहाँ का लोकल मार्केट है और यहाँ आपको जो प्रोडक्ट्स है वो माल रोड के कंपेरिजन में चीपर मिलेंगे। तो
अभी मैं हूँ बड़ा बाजार में, यहाँ पे आप एक तो शॉपिंग कर सकते हो, साथ में अगर आप नैनीताल में आए और आपने नैनीताल की फेमस स्वीट डिश नहीं खाई तो क्या खाया, जैसे कि मथुरा के पेड़ है तो यहाँ की बाल मिठाई फेमस है, और हम आए शॉप पर मामूज नैनी स्वीट्स, यहाँ की बाल मिठाई बहुत फेमस है। एक तो ये बाल मिठाई है क्या, मतलब किस चीज़ से बनता है, क्यों फेमस है यहाँ पर? ये खोए से बनती है और 15-20 दिन ये ख़राब नहीं होती है बिना फ्रिज के, और खाली आपको यहाँ कुमाऊँ में मिलेगी। और ये कहाँ पर मिलेगी? यहाँ कुमाऊँ रीजन में मिलेगी, पहाड़ों में, क्योंकि इनकी खोए से बनती है तो यही मिलेगी और ख़राब नहीं होती है 15-20 दिन बिना फ्रिज के। इट लुक्स लाइक दिस, चॉकलेट जैसा दिखता है दिखने में, इसको खोआ से ही प्रॉपर बना हुआ है, टेस्ट करके बताते हैं कैसा है ये। चॉकलेट का फ्लेवर है, बहुत अच्छा है, टेस्ट अच्छा है इसका। एंड दिस इज शुगर शुगर बॉल ऑन दिस वन, सो ओवरऑल नाइस। तो खाते हैं और इन्जॉय करते हैं, आप भी आओ तो खाना। तो अभी मैं जा रही हूँ लवर्स पॉइंट पे, जो मैंने आपको दिखाया आपको आना कैसे है, और यहाँ से भी व्यू अच्छा है, माउंटेन्स पे आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट्स दिखेंगे जहाँ से आप अपने अच्छा व्यू फोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ज़्यादा वो भी नहीं, आप आराम से यहाँ पे, मतलब छोटा सा आई थिंक 10-20 मीटर्स का ही होगा, हल्का सा नीचे आना और आपको यहाँ से व्यू दिखेगा। और चलते हैं आगे, मैं दिखाती हूँ आपको व्यू। तो ये है पूरा क्राउड मेरे पीछे लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट पे, और व्यू तो यहाँ का बहुत अमेजिंग है, आज जरूर आना चाहिए। अब हम पहुँच गए हैं भीमताल पर, यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे एक आइलैंड बना हुआ है ये आप जो देख रहे हैं, और यहीं आइलैंड के अंदर एक रेस्टोरेंट एंड एक्वेरियम दोनों है जो अभी क्लोज था ड्यू टू कोविड। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो, और बोटिंग की खास बात ये कि जो आइलैंड बना हुआ है उसका ही पूरा का पूरा एक राउंड लगाते हैं। यहाँ होता है नैनीताल का सफर खत्म एंड मुक्तेश्वर का सफर शुरू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मुक्तेश्वर की डिफरेंट डेस्टिनेशंस के साथ एंड डिफरेंट व्यूज के साथ।